बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय दादियों में से एक हैं जोहरा सहगल। जोहरा सहगल पहली ऐसी भारतीय अभिनेत्री थी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। 29 सितंबर 1946 को कांस फिल्म फेस्टिवल में जोहरा सहगल की फिल्म नीचा नगर का प्रीमियर हुआ था। जोहरा सहगल की इस फिल्म ने कांस का सबसे बड़ा अवार्ड पाल्मे डी ओर जीता था। बेहद लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली जोहरा सहगल हमेशा अपनी जिंदा दिली से जवान रही। अपने इस वीडियो में आज हम आपको 6 दशकों तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की शान बनी रही जोहरा सहगल की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प किस्से बता रहे हैं। रामपुर के नवाबी खानदान से ताल्लुक रखने वाली जोहरा सहगल का जन्म रामपुर में ही सन 1912 में हुआ था। इनका पूरा नाम था साहिबजादी जोहरा मुमताजुल्ला खान बेगम। जोहरा अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। इनका परिवार रामपुर के रोहिल्ला पठान फैमिली का हिस्सा था। इनका बचपन उत्तराखंड के चकराता में गुजरा था। जोहरा ने अपना बचपन पेड़ों पर उछल कूद मचाते हुए, फल तोड़कर खाते हुए और शरारतें करते हुए गुजारा था। बचपन में ही जोहरा की माँ की मौत हो गई थी। इनकी माँ की ख्वाहिश थी कि ये लाहौर में जाकर खूब पढ़ाई करें। अपनी मरी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जोहरा सहगल ने लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज में दाखिला भी लिया। जोहरा सहगल को डांस का काफी शौक था, लेकिन इनके कॉलेज में उस जमाने में काफी पर्दा था। जोहरा के एक मामा स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर में रहते थे। जोहरा अक्सर अपने मामा और उनके परिवार से चिट्ठियों के जरिए बातचीत करती रहती थी। जोहरा ने उन्हें अपनी डांस सीखने की ख्वाहिश के बारे में बताया। जोहरा की डांस सीखने की ख्वाहिश का लिहाज करते हुए उनके मामा ने किसी तरह जर्मनी के सैक्सोनी राज्य की राजधानी ड्रेसडेन में मौजूद मैरी विगमैन बैलेट स्कूल में जोहरा का एडमिशन करा दिया। यहाँ वे एक ब्रिटिश एक्टर की देखरेख में रहने वाली थी जो कि उनके मामा का दोस्त था। लाहौर से जर्मनी तक जोहरा के पहुंचने की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। जोहरा के मामा उन्हें लेकर कार से ही लाहौर से ईरान पहुंचे, फिर वहां से फलिस्तीन और फिर फलिस्तीन से ये लोग अपनी कार लेकर निकले सीरिया की राजधानी दमिश्क। वहां पर जोहरा का ममेरा भाई इन्हें मिला, फिर उसे लेकर ये लोग उसी कार से मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर पहुंचे और फिर वहां से ये एक जहाज के द्वारा यूरोप पहुंचे। जर्मनी के मैरी विगमैन्स बैलेट स्कूल में डांस लेने वाली जोहरा सहगल पहली भारतीय महिला हैं। जोहरा ने 3 साल तक इस कॉलेज से डांस सीखा। जर्मनी में ही एक दिन जोहरा को एक नृत्य नाटिका देखने का मौका मिला। बस यहीं से जोहरा की जिंदगी बदल गई। इस नृत्य नाटिका में उनकी मुलाकात हुई उदय शंकर से, जो कि उस दौर के एक बेहद मशहूर भारतीय नर्तक थे। विदेशी धरती पर एक बेहद खूबसूरत भारतीय लड़की को डांस में दिलचस्पी लेते देख उदय शंकर बेहद हैरान और खुश हुए। उदय शंकर ने जोहरा से वादा किया कि वो भारत लौटते ही उनके लिए भारत में ही काम का इंतजाम करेंगे। साल 1935 में उदय शंकर ने जोहरा को जापान बुला लिया। यहीं पर जोहरा ने उदय शंकर के डांस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद उदय शंकर के साथ जोहरा ने मिस्र, यूरोप और अमेरिका सहित दुनिया के कई बड़े हिस्से का टूर किया। इस टूर के खत्म होने के बाद जोहरा उदय शंकर के साथ अल्मोड़ा आ गई और उनके डांस स्कूल में टीचर के तौर पर काम करने लगी। इसी दौरान जोहरा की मुलाकात हुई कमलेश्वर सहगल से। कमलेश्वर इंदौर के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे और उन्हें पेंटिंग और भारतीय नृत्य कला काफी पसंद थी। जोहरा और कमलेश्वर करीब आए और एक दूजे को मोहब्बत करने लगे। कुछ ही महीनों बाद दोनों ने शादी कर ली। कमलेश्वर सहगल से शादी करने के बाद जोहरा बन गई जोहरा सहगल। हालांकि कमलेश्वर सहगल से जोहरा का शादी करना उस दौर के मुस्लिम कट्टरपंथियों को बिल्कुल भी रास नहीं आया था। वहीं कुछ कट्टरपंथी हिंदू समूह भी इस शादी का विरोध कर रहे थे। हालात इतने बुरे हुए कि शहर में दंगे जैसा माहौल हो गया। हालांकि कुछ समय बाद लोग मान गए और समाज ने इन दोनों को स्वीकार कर लिया। शादी के 1 साल बाद ही इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम इन्होंने रखा किरण। दोनों की जिंदगी आराम से चल रही थी कि इसी दौरान अंग्रेजों ने भारत को 2 टुकड़ों में बांटकर आजाद करने की तैयारी शुरू कर दी थी। ये वो दौर था जब भारत बेहद मुश्किल हालातों से गुजर रहा था। हर तरफ हिंदू मुस्लिम समुदायों में आग लगी हुई थी। आजादी मिलने से पहले ही देश दंगों की आग में झुलसने लगा था।
दंगों की ये आग जोहरा सहगल के घर तक भी पहुंच गई। जोहरा सहगल उन दिनों अपने पति कमलेश्वर सहगल और अपनी एक साल की बेटी किरण सहगल के साथ लाहौर में रहती थी और वहां इन्होंने जोहरिश डांस इंस्टीट्यूट के नाम से अपना एक डांस स्कूल भी खोल लिया था। जल्द ही जोहरा और उनके पति को एहसास हो गया कि लाहौर में डांस इंस्टीट्यूट चलाना तो दूर, जिंदा रहना भी बेहद मुश्किल है। दोनों अपनी बेटी किरण को लेकर बंबई आ गए। जोहरा सहगल की एक बहन उजरा यहाँ पृथ्वी थिएटर में अभिनेत्री थी और काफी मशहूर भी थी। बहन की मदद से जोहरा ने सन 1945 में पृथ्वी थिएटर ज्वाइन कर लिया। उस दौर में जोहरा को 400 रुपए महीना तनख्वाह मिलती थी, जो कि एक बड़ी रकम होती थी। जोहरा सहगल इप्टा के भी एक्टिव मेंबर थी। ख्वाजा अहमद अब्बास के डायरेक्शन में इप्टा ने अपनी पहली फिल्म बनाई थी। इस फिल्म का नाम था धरती के लाल। जोहरा सहगल ने भी इस फिल्म में बतौर हीरोइन काम किया था। इप्टा में काम करने के दौरान उस दौर के मशहूर डायरेक्टर चेतन आनंद ने इन्हें देखा और अपनी फिल्म नीचा नगर में इन्हें ले लिया। जोहरा सहगल फिल्मों में कोरियोग्राफी भी करती थी। राज कपूर की सुपरहिट फिल्म आवारा के बेहद मशहूर गीत की कोरियोग्राफी जोहरा सहगल ने ही की थी। राज कपूर के बाद जोहरा ने कुछ फिल्मों में उनके बेटे ऋषि कपूर के साथ भी काम किया। और इतना ही नहीं, जोहरा सहगल ने ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर के साथ भी उनकी पहली फिल्म सांवरिया में काम किया था। जोहरा अपनी उम्दा अदायगी से लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला देती थी। इस तरह कपूर खानदान की चार जनरेशन के साथ काम करने वाली जोहरा इकलौती एक्ट्रेस रही। सन 1998 में भारत सरकार ने जोहरा सहगल को पद्मश्री सम्मान से नवाजा। उसके बाद 2001 में जोहरा को कालिदास सम्मान, 2004 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी ने तो जोहरा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया और अपनी फेलोशिप भी दी। 2010 में जोहरा सहगल को पद्म विभूषण सम्मान भी दिया गया। उम्र के इस पड़ाव में भी जोहरा के चेहरे की मुस्कान जस की तस थी, लेकिन 10 जुलाई 2010 को 102 साल की उम्र में जोहरा सहगल को दिल का दौरा पड़ा और इसी के साथ जोहरा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।